जोन एक में व्यापारियों के हक में कांग्रेस नेता पिंटू जोशी द्वारा लड़ी गई लड़ाई रंग लेकर आई। इसका असर ये हुआ कि प्रशासन को झुकना पड़ा और त्योहार के मौके पर 6 दिन के लिए पूरे शहर को खोलने का फरमान जारी करना पड़ा। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे व्यापारियों के लिए कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने आवाज बुलंद की और कांग्रेस नेताओं के साथ जोन एक में लेफ्ट राइट नियमों का विरोध करते हुए बंद क्षेत्र में सभी दुकानें खुलवाकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। विधायक संजय शुक्ला ने शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल को साथ लेकर राजवाड़ा के आसपास व्यापार बचाओ आंदोलन चलाया, जिसका असर ये हुआ कि जिला प्रशासन को शाम होते होते ईद और राखी को देखते हुए 6 दिन के लिए पूरा शहर खोलने का आदेश जारी करना पड़ा। इसे पिंटू जोशी ने जनता की जीत बताया। देखिए, बड़ा सिंपल सा विचार इसके पीछे कि जनता की जो भावना है उसको मंच प्रदान करना था। जनता चाह रही थी कि उनका कोई ऐसा खबर ले जो उनकी विचारों को मंच प्रदान कर पाए, उनके विचारों के लिए आगे लड़ाई लड़ पाए। जनता ने हमें इस लायक समझा, उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी बात को कहीं अच्छे स्थान तक पहुंचा सके। और हमने लोकतंत्र का हिस्सा बनकर उसकी विचारधारा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन और मांग रखी थी। चूँकि जब भी सत्ता आती है तो सत्ता पक्ष हमेशा कह सकते कि लगाम उसकी किसी के हाथ में रहती नहीं है और वो एक तरीके से अहंकार से भर जाता है। तो हमको उनके अहंकार को कम करना था, उनसे व्यक्तिगत कोई बुराई नहीं है, शासन प्रशासन सत्ता से उनके अहंकार को समझाना था कि अल्टीमेटली हम सब ये जनता के लिए बैठे हैं, हमारा व्यक्तिगत एजेंडा, हमारा व्यक्तिगत पसंद नापसंद इस चीज़ के से आगे जाना चाहिए और हम सब कहीं ना कहीं जनता का सुविधा दे पाए। व्यापारी इस कोरोना काल में इंदौर को जो हमने दान की नगरी मानते हैं, धर्म की नगरी मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का व्यापारी हमेशा संकट के समय इंदौर की जनता की मदद करता है। बाईपास पे इंदौर के व्यापारियों ने छुस्सा से अपने लोगों की मदद करी, जो मजदूर जा रहे थे पलायन करे उनकी मदद करी। तो क्या हम व्यापार, हमारा कोई फर्ज नहीं है व्यापारियों के प्रति? व्यापारी को अगर हम अच्छा माहौल देंगे, व्यापारी को हम अगर अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार फैलेगा और इंदौर तो वैसे भी व्यापारिक शहर माना जाता है। इस व्यापारिक शहर को शासन प्रशासन खत्म करने में लगा था। हमने उनकी मांग उठाई, जनता का आक्रोश शासन प्रशासन ने समझा और आखिर में उनके पक्ष में निर्णय लिया। तो शासन प्रशासन को भी साधुवाद और सभी लोगों को साधुवाद जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। भाई विनय बाकलीवाल जी, संजय शुक्ला जी, भाई चिंटू चौकसी जी, हम सब ने अपने अपने स्तर पर आंदोलन करे और आंदोलन के सामने जनता को झुकना, जनता के आंदोलन के सामने सत्ता को झुकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये मेरी जीत नहीं है, ना कोई हम इसका श्रेय लेना चाहते हैं, अल्टीमेटली जनता का विषय था, जनता को जीत हासिल हुई। 3 नंबर विधानसभा और इंदौर का हृदय स्थल राजवाड़ा दोनों जुड़े हैं। सबसे ज्यादा व्यापार भी पिंटू जोशी के विधानसभा क्षेत्र में होता है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ का व्यापार सूना सूना हो गया था, लिहाजा पिंटू जोशी ने व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए सरकार से मांग की है कि महाराष्ट्र मुंबई की तर्ज पर पूरे इंदौर का अलग प्लान बने और 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग प्लान बने। विधानसभा क्षेत्र के मांग 3 कहने को सबसे छोटी विधानसभा इंदौर की, लेकिन 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन काम करने, धंधे, व्यवसाय, ऑफिसेस के माध्यम से आते हैं, इंदौर का दिल है। और अगर इन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का व्यापारी परेशान है, मतलब आधा से ज़्यादा इंदौर परेशान है। हर बड़ा थोक बाज़ार, हर बड़ा ऑफिस, हर सरकारी दफ्तर इस विधानसभा में आता है। तो जैसे कहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के लिए अलग प्लान बनता है और मुंबई के लिए अलग प्लान बनता है, वैसे ही मेरा मानना है कि पूरा इंदौर का अलग प्लान बने और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को विशेष महत्व दिया जाए, क्योंकि वो इंदौर की आर्थिक सेंटर है। आर्थिक सेंटर होने के नाते हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है वहाँ के लोगों को देने के लिए। उल्टा देखा गया कि वहाँ के लोगों को तो परेशान ज़्यादा करा गया। अब हम कौन चाहेगा कि व्यापारी को अपनी दुकान मंगल बंद करके पलायन करना पड़े? यहाँ का व्यापारी पलायन करने की कगार पर था। समय रहते शासन प्रशासन ने उनके पक्ष में निर्णय लिया, जनता के सामने झुकने का उनको पड़ा और इसको आने वाले समय में इंदौर शहर वापस व्यापारियों के हित का शहर बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा बचपन बीता है इस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ के लोगों की भावनाओं को फर्स्ट हैंड जानता हूँ मैं। उनके बीच का साथी, भाई, भतीजा बनकर उनके बीच में काम करता हूँ, तो मुझे वो कंफर्टेबल मानते हैं कि पिंटू से अगर बात करेंगे तो मैं वो सुनेगा और हमारी बात को आगे पहुँचाएगा।
तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं। कुल मिलाकर पिंटू जोशी के आंदोलन के सामने न सिर्फ जिला प्रशासन को झुकने पर मजबूर होना पड़ा बल्कि उन्होंने शहर के व्यापारियों का दिल भी जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।